छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस के बीच पोस्टल वॉर सोशल मीडिया पर जारी है। शनिवार को भाजपा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कांग्रेस पर तंज कसा है। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भाजपा पर पलटवार किया। जनता के पास जाने के लिए कोई भी मुद्दा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन या विकास को लेकर वो जनता के बीच में नहीं जा पा रही है, इसलिए भगवान राम का नाम का सहारा लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है। आस्था अपनी जगह पे है, लेकिन इस समय देश की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को समर्थन और आशीर्वाद दे रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। इसलिए आस्था के नाम से फिर जनता को एक खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर भी दीपक बैज ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर का दौरा करेंगे। कांग्रेस स्टार प्रचारकों की सूची में राहुल गांधी का भी नाम शामिल था। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट भी अगले दो दिनों में छत्तीसगढ़ आएंगे। पिछले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने आधा से ज्यादा वादों को पूरे की थी और हमारी न्याय गारंटी स्पष्ट और क्लियर है। एक देश के लिए नई किरण, एक नई ऊर्जा लाने वाली है और हमारी न्याय गारंटी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी को समझ भी नहीं आ रहा है कि जनता के बीच में किस मुद्दा को लेकर जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके बयानों से स्पष्ट साफ झलक रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है हमारी न्याय योजनाओं को लेकर, और जनता हमारी न्याय योजना में अच्छा असर कर रही है, इसका फायदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वही कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी होने पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस ने पिछली बार आधे से अधिक वादे पूरे किए। न्याय गारंटी स्पष्ट है कि देश के लिए एक नई किरण और ऊर्जा लाने वाली है। घोषणा पत्र से भाजपा डरी हुई है। इसका चुनाव पे कोई असर नहीं होगा। चुनाव पे महंगाई, बेरोजगारी, युवा, किसान, ये सबसे बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी ने इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हम जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका ज्यादा असर जनता के ऊपर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं इस समय जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार बनाना है देश में। और जिस तरह से हमारी पांच न्याय गारंटी कल घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें सीधा सीधा सभी वर्गों को कांग्रेस पार्टी ने टच किया है और इसका फायदा सीधा सीधा कांग्रेस को मिल रहा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से डरी हुई है। वहीं गुड़ियाबी में आगजनी की घटना को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का विभाग है, आग जानबूझकर लगाई गई है। इसमें अंदेशा है कि एक बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। ये आग लगी नहीं है, मुझे लगता है आग लगाया गया है। मुख्यमंत्री का विभाग है और नो डाउट कहीं ना कहीं इसमें अंदेशा है कि बड़ा घोटाला हुआ है, इसलिए इतनी बड़ी आगजनी को अंजाम दिया गया है और इसी का कारण है कि सरकारी अमला समय पे नहीं पहुंच पाना और उसको काबू नहीं कर पाना। और राजधानी के अंदर, जबकि राजधानी में सब संसाधन है, उसके बावजूद भी क्यों आग पे काबू नहीं पाया गया है? मतलब सीधा सीधा है कि मुख्यमंत्री के विभाग में बहुत भारी बड़ा घोटाला हुआ है, इन घोटालों को दबाने के लिए ही इस तरह से आगजनी को अंजाम दिया गया है।
वहीं पीसीसी चीफ दीपक बैज ने चरणदास महंत को लेकर भी बयान दिया, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अगर बयान सुनेंगे महंत जी का, छत्तीसगढ़ी में बोल रहे हैं और खुद भी उन्होंने स्वयं स्पष्ट किया, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी स्पष्ट किए कि उनका मनसा किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। चरणदास महंत जी अनुभवी नेता है, कई बार सांसद, केंद्रीय मंत्री, कई बार विधायक रह चुके हैं, उनको पता है एक एक बयान का अर्थ। छत्तीसगढ़ी में उन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कोई मुद्दा नहीं है तो डुबते को एक तिनके का सहारा मिल गया है, इसलिए इन मुद्दा को जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी उछालने का प्रयास कर रही है। और महंत जी ने खेद भी प्रकट किया, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस तरह से हथकंडे अपनाना, मैं समझता हूँ बिल्कुल भी लोकतंत्र में इसके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि सीनियर नेता समझते हैं कि भाषा का मर्यादा और उनकी सीमाएं उनको सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविहीन होने के कारण सिर्फ उनको वो चाह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन के सहारे चुनाव में जा सके, लेकिन इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा।